हाय गाइस, स्मिथ द साइड, वेलकम और वेलकम बैक टू द जर्नी फेज। सो आप लोगों को पता ही होगा कि सीयूटी का रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट। इफ यू हैवंट चेक्ड इट, अभी जाओ सीयूटी के पोर्टल पे, जाओ तुरंत अपना रिजल्ट चेक करो और हमें बताओ इन द कमेंट सेक्शन में। आप हमें कमेंट सेक्शन पे ये भी बताना कि आपका रॉ स्कोर जो आपने कैलकुलेट किया था वो क्या था, एंड आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एंड डिफरेंस क्या आ रहा है। इट विल हेल्प अस ये डेटा, एक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ डेटा कलेक्ट करने में। ऑल्सो अब मेरे को पता है कि आपको एक लाइक आया, तब से रिजल्ट आया ना, आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कि मेरे को बहुत एंजाइटी हो रही है, मैंने तो मार्क्स जो है बहुत 60-70 मार्क्स कम हो गए, किसी के 100 मार्क्स कम हो गए। गाइस डू नॉट पैनिक, क्योंकि मेजोरिटी लोगों को जिनका मैंने सुना है सबके मार्क्स कम ही हो रहे हैं। एंड अभी जो है यू नीड टू टेक थोड़ा सा चिल एंड रिलैक्स ऑफकोर्स, क्योंकि और मैंने किसी पेज में देखा कि 25,000 बच्चों के 100% आए हैं। नहीं भाई, वो 100% आए है, वो 100% नहीं है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटाइल, यू नीड टू स्पॉट दैट डिफरेंस। और अभी छोटी भी चीज पढ़ोगे ना, छोटी सी भी वीडियो देखोगे, आप बस पैनिक करने लगोगे। इट इज नॉट गुड फॉर यू ऑफकोर्स। अभी 4-5 दिन बाद ना, लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4-5 दिन के अंदर DU जो है अपना सेकेंड फेज रिलीज कर देगा, विच विल बी योर प्रेफरेंस फिलिंग वाला राउंड, वेर इन यूल हैव टू फिल अपना प्रेफरेंसेस कि आप किस कॉलेज, कौन से कोर्स को प्रायोरिटी दोगे। एंड प्लीज 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 रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, प्रेफर कोर्स ओवर कॉलेज। कॉलेज को अगर, जब तक आपको बहुत ही कोई गंदा कॉलेज ना मिल रहा हो, तब तक प्रेफर द कोर्स ऑफ कोर्स। ये सब चीजें देख लेना। एंड कोई बात नहीं, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया है कोई बात नहीं, हमेशा बोलती हूँ, अगेन आई विल से दैट इट ऑल लाइज विद इन यू। तो फालतू की ओवर थिंकिंग मत करना, अभी बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है, अभी प्रेफरेंस लिस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले ही अपने दिमाग में ये क्रिएट कर कर, ओवर थिंक कर कर, एंशियस होकर कोई फायदा नहीं है। सो जो भी हुआ, एक्सेप्ट इट, इट इज योर ओन स्कोर। मेरे को पता है नॉर्मलाइजेशन में कम हो गया होगा या कुछ भी हो गया होगा, तो सारा टेंशन मत लो यार। अगर DU मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। DU नहीं मिलने से या फिर कम मार्क्स आ जाने से जिंदगी थोड़ी खराब हो जाती है। इसलिए इस बात का ओवर थिंक मत करना। एंड कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इफ यू हैवंट जॉइंड अ व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी पर्सनली ऑन टेलीग्राम, क्योंकि आई एम वन ऑफ द एडमिन TJP के टेलीग्राम ग्रुप में। तो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट मी और इवन कॉल मी और हैव अ वन-टू-वन सेशन विद मी। सो दैट्स इट आई गेस। अगेन आई वुड से डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बाय योर स्कोर्स। हो सकता है कट ऑफ बहुत कम जाए, हु नोस, नोबडी नोज द फ्यूचर। सो वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फाइनल रिजल्ट। तो अभी सबसे बड़ी चीज जो है प्रेफरेंस लिस्ट, वो बाकी है। सो वो चीज में एस करना, वो चीज अच्छे से करना, एंड वी आर गुड टू गो। सो दिस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आई होप जो कॉलेज हो वो तुम्हारे पसंद का मिले, जो कोर्स हो वो तुम्हारे पसंद का मिले। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज स्मृति साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट एंड डोंट गेट डीमोटिवेटेड।